आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3B का आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 20। और इसमें आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, 2x-3 बट्टा वाई इक्वल टू 9 और दूसरा है 3x+7 बट्टा वाई इक्वल टू 2। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो देखिए 2x-3 बट्टा वाई इक्वल टू 9, तो इसको आपको बोल देना है इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरा है वो आपको है 3x+7 बट्टा वाई इक्वल टू 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए क्या करना है, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए आपको जो फर्स्ट इक्वेशन में जो x के बगल में जो नंबर है यानी जो कोफिशियंट है x का वो है 2, उस 2 से आपको सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम टू सेम जो सेकेंड इक्वेशन है उसका में जो x का कोफिशियंट है वो है आपका 3, उस 3 से आपको फर्स्ट इक्वेशन से को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 से जब फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तीनों टर्म है हमारा उस तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2x को तो ये होगा 6x, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाई व्हाट बाई वाई इक्वल टू 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 27। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। 2 से मल्टीप्लाई करिए 3x को तो ये होगा 6x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो ये होगा 14 बट्टा वाई, ठीक इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 4, ये हो गया इक्वेशन हमारा 4। तो ये देखिए आपका जो दोनों इक्वेशन है यानी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, इसमें 6x और 6x यानी x का कोफिशियंट क्या हो गया इक्वल हो गया। अब आपको यहाँ पे साइन देखना होगा, तो साइन देखने के लिए यहाँ पे देखो आप प्लस है और नीचे भी प्लस है यानी साइन सेम है। जब साइन सेम होगा तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और जब घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन, जो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से 6 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस आप देख सकते हो क्या होता है प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से -9 बट्टा वाई और -14 बट्टा वाई इक्वल टू यहाँ पे देखो 27 में से अगर आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 23 आएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ देखो माइनस माइनस आपका प्लस होता है और 9 बट्टा वाई में अगर आप 14 बट्टा वाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 23 बट्टा वाई, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस लगाना है और इक्वल टू हो जाएगा 23। तो इस तरह से आप क्या करो, यहाँ वाई और 23 इसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर दो, तो जो वाई है वो हो जाएगा -23/23, इसको काटोगे तो आपका आएगा -1, ठीक। तो ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई वाई इक्वल टू -1। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो वाई की वैल्यू है इसको उठा के आप क्या करो इक्वेशन फर्स्ट में डालो, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैं रखने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 2x-3 बट्टा वाई, वाई की जगह क्या लिख दूंगा -1, अब बराबर 9, तो ये हो जाएगा 2x, ये देखिए माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा एक दूसरे को प्लस कर देगा, तो +3 बट्टा में 1 नहीं लिखते हैं तो 1 को छोड़ देते हैं इक्वल टू 9। अब ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 9, प्लस वाला 3 को आप इस तरफ भेजोगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 6। तो इस तरह से आप लिख सकते हो x इक्वल टू 6/2 यानी काटोगे तो आपका आएगा 3। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर है वो आपका हो जाएगा x बराबर आपका 3 और y हो जाएगा आपका माइनस, यही आपका आंसर है।